का पानी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक। आज जो आपकी गुड मॉर्निंग हो रही है वो इतने सारे बच्चों के साथ हो रही है क्योंकि आज स्कूल में है ऑरेंज डे और बच्चे जो हैं ऑरेंज डे सेलिब्रेट करेंगे। हसन नॉलेज होम में ऑरेंज डे हर साल मनाया जाता है और आज जो है वो मौसम बादल भी हो गए हैं, बारिश भी हुई है रात में, तो ऑरेंज डे जो है ना आज हम लोग जो है इस वेदर के साथ सेलिब्रेट करेंगे। अच्छा, तो कुछ बच्चों ने देखें ये इस तरह से अपने ड्रेसेस वगैरह जो हैं ऑरेंज डे के लिए हाथ से जो हैं ये देखें वो किए हुए हैं, पहने हुए हैं और कोशिश की है कि अच्छे से अच्छा ऑरेंज डे सेलिब्रेट किया जाए। तो अब यहाँ जो प्रोग्राम होने लगा है ये होने लगा है म्यूज़िकल चेयर का, और म्यूज़िकल चेयर में ये होगा कि बच्चे क्लैपिंग करेंगे और जब बच्चे क्लैपिंग करना छोड़ देंगे बच्चे जो हैं दूसरे जो प्ले कर रहे होंगे वो लोग इस चेयर्स पे सिट हो जाएंगे। तो इनके साथ मैं आयला को भी कोशिश करूँगी कि आयला भी इनके साथ जो है प्ले करे, तो देखते हैं कौन विनर होता है। अच्छा जी, जिसने आपको इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इन सबको कर दीजिएगा और प्लीज़ पैसा बैलेंस। आयला ने लास्ट में एंट्री किया तो इसलिए हमने एक चेयर और ऐड कर दिया। चलो भागो आयला। अच्छा, तो ये व्यूअर्स ये चेक करें जी, डेकोरेशन हो रही है, हर कोई अपनी अपनी टेबल जो है वो डेकोर कर रहा है। तो ये देखें बच्चों ने कोशिश अच्छी की है और ये देखें जी ऑरेंज लगा रहे हैं और ये डेकोरेशन कर रहे हैं। और ये चेक करते हैं यहाँ पे भी ये चेक करें जी, ये मेरे ख्याल से बड़ी बच्चियों का है टेबल। और ये देखें ऑरेंज डे सेलिब्रेट हो रहा है और यहाँ करते हैं। अच्छा, तो व्यूअर्स हमने जो है दो बच्चों की सिलेक्शन कर ली है। आपका क्या नाम है बेटा? शहीर की और सयाम की। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास से हैं? सेवंथ। आप? फिफ्थ। अच्छा जी, सेवंथ का कंपटीशन हो रहा है फिफ्थ से, फिफ्थ का कंपटीशन हो रहा है सेवंथ से, ठीक है। दोनों बच्चे हैं और आप लोग क्या रेडी हैं? तो आप लोगों ने बताना है और नोट करना है कि कौन जीत रहा है और किसने सबसे पहले जो है ऑरेंज फिनिश किया। अच्छा जी, हमने इनके आगे टू टू ऑरेंज रख दिए हैं, इन्होंने इसको छीलना भी है और खाना भी है, तो कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। 2 3 गो। हो रहा
रोक दिया और कह दिया बस अब मरियम जीत गई, मरियम इज अ विनर जा। लेकिन मैम हम तो जान बनवा रहे थे, जान बचाना फर्ज है, लेकिन हम जान बनवा रहे थे, लेकिन जान नहीं बनाना चाहिए, उनकी जान ऑलरेडी बनी हुई थी। अच्छा तो जी मरियम विनर हो गई है और मोमना भी विनर ही है, सही है, लेकिन मरियम ज्यादा विनर है। चले जी क्लैपिंग कर रहे हैं। अच्छा तो व्यूअर्स आपके सामने फिर दो पार्टनर मौजूद हैं इस वक्त, जो दो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आपका नेम क्या बेटा? इसना। आपका नाम? खुशबू फातिमा। ये खुशबू हैं, ये इसना है, तो इनका कंपटीशन सेम उसी तरह से होगा। तो देखते हैं इन दोनों में से कौन विनर होता है, इन दोनों में से जो दो। 1 2 3 गो। कैसी है तो ये नहीं खा सकते, लड़के जो थे दो दो खा गए, लड़कियां एक ही खा ले बहुत है। तो हमने जो है 1 ऑरेंज का कंपटीशन किया, 1 में इसना हो गई विनर, और इसना के लिए करते हैं जी क्लैपिंग। और दूसरा कहते हैं ना नजाकत के साथ, बल्कि नजाकत के साथ खूबसूरती से खाती है, इसलिए जो है ना पीछे रह जाती है। अच्छा जी पर तो ऐसे टैग लगा हुआ है ना कि किचन है ही औरतों का, हालांकि दुनिया में अच्छे ज्यादा मर्द शेफ है, लेकिन फिर भी हम औरतें, ये अगर कोई भी गेस्ट आपके घर में आया है तो आप ऑरेंज कैसे पील करेंगे, आप खुद कैसे पील करेंगे या खाएंगे उनके सामने, किसी घर भी आप जाके खा सकते हैं, या फिर कोई आपके घर आता है तो आप कैसे पील करेंगे। सबसे पहले आपने ऊपर वाला जो है ये जो जिसमें डंडी के साथ लटका हुआ होता है स्टेम वाली जगह, वहाँ से ये पूरा ऊपर वाला पीस कट कर लेना है, ठीक है। फिर दूसरा आप ये देखिए कि आपके जो हैंड्स हैं वो पहले वॉश ज़रूर हो, आपकी नाइफ वो वॉश ज़रूर हो। फिर दूसरा आपके हैंड्स जो फिंगर्स हैं ये ऑरेंज को कम से कम टच करें, ज्यादा ऑरेंज को टच ना करें, पील को सिर्फ छिलके को टच करें, ठीक है। इनको जैसे आप खरबूजे को कट लगाते हैं ना वैसे ही आपने इनको कट लगाने हैं, लाइट लाइट कट, लाइट से बहुत डीप ही लगाना है कि ऑरेंज भी साथ कट जाए, सिर्फ जो है आपका ये जो छिलका है इसको कट लगे, तकरीबन 5 कट लगे हैं, 5 कट लगे। समझ आ रही है आप सबको? अब देखिए अब हैंड जो भी यूज करें राइट या लेफ्ट वो नहीं है, लेकिन फिर वही बात कि फिंगर्स ऑरेंज को कम से कम टच करें, छिलके को करते रहे, क्योंकि ऑरेंज की देखने में जरा बुरा लगता है, लेकिन ये हाथ टच हो रहे हैं ऑरेंज को, आपने ऑरेंज को जस्ट अभी पूरा पी नहीं करना, जस्ट आपके वही 5 साइड से आपने ऐसे करके ऐसे ये देखो, देखा है बेटा, ठीक है। अब आपकी फिंगर्स टच नहीं हुई ऑरेंज को, सिर्फ पील को टच हुई है, अब आपने हैंड आप भुला हुआ है तो आप उसको निकाल लें। ये तो हो गया ऑरेंज पील करने का एक तरीका, देखे और ज्यादा से ज्यादा रबिश भी कम से कम होगा, जूस बनाने का तरीका होंगे छिलकों के, ये हो गया देखे अब आपने, और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है लाइक अ फ्लावर। टीचर ने कहा है कि हैंड्स डर्टी ना हो, आपने इस तरह से खाने हैं, वो उसने मुंह से ही खाना शुरू कर दिया। हाँ जी अब मैम बताएंगी जैम बनाने का तरीका। ये जो वाइट वाइट है ना इसको आपने कद्दूकस लेके ना वाइट वाइट ऐसे क्रश ले लेना, यानी खत्म कर देना है। फिर आपने इसको जो है ये आपने ऐसे ऐसे काटना है, ये ऐसे ऐसे आप नाइफ से आपने कट करना है, ठीक है ना, वाइट हट जाएगा ये, जहाँ आप नाइफ से कटा सकती हैं, ये देखें हट गया, ये देखें हट गया, नाइफ से बड़े आसानी से हट रहा है, ये देखें ये सारा युद्ध, ये जरा थोड़ा सा पुरुष होता है इसलिए। फिर आप जो है ना 2 कप चीनी 1 कप पानी
चूल्हे पे रखेंगी, उसके अंदर आपने थोड़ा सा छोटी इलायची पीस कर वो आपने मिक्स कर देनी है, ठीक है। फिर आपने उसको थोड़ा सा ना गाढ़ा करना है, फिर आपने इसका रस निकाल कर तीन चार इसका वो उसके अंदर डाल कर उसको पकाना है। फिर आपने ये जो आपने ये काटे हैं ना ऐसे ये पतले पतले, फिर ये आपने डाल देने, फिर ये गल जाएंगे उसमें, फिर उसके बाद वो गाढ़ा हो जाएगा, वो आप जैम आपको बन गया डबल रोटी पे लगाने के लिए ब्रेड पे। अच्छा दूसरा और काम है जैम में आप जेलेटिन पाउडर भी डाल सकते हैं, जेलेटिन भी डाल सकते हैं, जो ये जेली 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 टाइप बन जाता है। किन्नू लेना है आई समझ, थोड़ी सी अदरक लेनी है, एक गाजर लेना है, एक लेमन लेना है, इकट्ठा आपने ग्राइंडर में डाल के उसका जूस बना लें। आप एक हफ्ता पिए आपका रंग वाइट हो जाएगा और बिल्कुल शाइनिंग क्वालिटी हो जाएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलेगा, और प्लीज प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।